हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एलपीजी कनेक्शन, चाहे वो एचपी गैस का हो, भारत गैस का हो या फिर इंडेन का हो, किसी का भी कनेक्शन हो, उसका सब्सिडी कैसे चेक कर सकते हैं, पिछला सब्सिडी कब कब आया है, कितना कितना आया है, वो सब चीज़ चेक कर सकते हैं। और अगर आपका सब्सिडी नहीं आता है, पेमेंट उधर से रिलीज हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है, तब उसके लिए कंप्लेन कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपको आज के इस वीडियो में मोबाइल पे ले जाके स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर हमेशा लेके आते रहते हैं। और दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर उसका यूजर आईडी है रोहित सिंह टेक्निकल, इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना एलपीजी का सब्सिडी चेक करने के लिए सिंपली से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सामने के ही सर्च बार पर टाइप करना है myLPG.in, टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर तीन सिलेंडर दिखेगा, सबसे पहला भारत गैस का, दूसरा एचपी गैस का और तीसरा इंडेन का। तो आपका जिस भी गैस का कनेक्शन है उस वाले सिलेंडर पे क्लिक करना है। तो मेरा इंडेन गैस का है तो इंडेन वाले पे क्लिक करेंगे। तो सिलेंडर पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। तो इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और गिव योर फीडबैक ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एलपीजी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सब्सिडी रिलेटेड पहल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और सब्सिडी नॉट रिसीव्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे इंडियन गैस में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इंटर करते हैं और इसके बाद सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, ये अगला पेज खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर में जिसके भी नाम से कनेक्शन होगा उसका नाम शो होगा, उसके नीचे उसका पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तब आपके पिछला 5 सब्सिडी यहाँ पे शो होगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 सब्सिडी शो हो रहा है, किस डेट को हुआ है, ऑर्डर किस डेट को हुआ है, डिलीवरी किस डेट को हुआ है, सब्सिडी कितना अमाउंट मिला है, सब में 78 रुपये, 78, 78, 77, 75 इतना अमाउंट मिला है, कैश मेमो का नंबर दिया गया है और ये डेट दिया गया है किस दिन आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा सब्सिडी वाला रिफ्लेक्ट किया, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे सामने शो हो गया, पिछला पाँच सब्सिडी। तो आप इस तरीके से अपने सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। अगर आपके सब्सिडी में कोई गड़बड़ी हो रहा है या फिर सब्सिडी रिलीज हो जा रहा है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके और यहाँ पर अपने कंप्लेन को रजिस्टर करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और उस पर सुनवाई किया जाएगा और कमी को ढूंढा जाएगा, क्या कमी के वजह से आपका सब्सिडी बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वहां से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एलपीजी के सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। आप खुद से चेक कीजिए, आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और आप किसी अगले टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो चलिए, चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।